आईटीएमएस का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं मुहैया कराना। देगा आईटीएमएस लग जाने के कारण अब आपका चालान, आपके गाड़ी का चालान ऑनलाइन होगा, जो कि वहां के लगे कैमरे करेंगे। पूरे गोरखपुर शहर में अब आईटीएमएस की निगरानी है। आईटीएमएस आखिर होता क्या है, जो जनपद गोरखपुर में लगा दिया गया है। हेलो नमस्कार, मैं सूरज विद्यार्थी और आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का जनपद गोरखपुर अब जो ट्रैफिक नियम है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। और जो लोग बिना हेलमेट, बिना ट्रैफिक नियमों के पालन किए चल रहे थे, अब उनके ऊपर काफ़ी कड़ाई से निगरानी रखने के लिए आईटीएमएस सिस्टम को लगा दिया गया है। आज बात करेंगे कि आईटीएमएस सिस्टम क्या होता है, आईटीएमएस आखिर होता क्या है, जो जनपद गोरखपुर में लगा दिया गया है। हम आपको बताते चले कि हाल ही में ट्रैफिक एसपी गोरखपुर डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी ने वहां का निरीक्षण करके वहां पे आईटीएमएस लगा दिया गया है। पूरे गोरखपुर शहर में अब आईटीएमएस की निगरानी है और जो भी वाहन चालक अब गोरखपुर में जाएंगे वो कृपया ध्यान रखते हुए जाएं, बिना हेलमेट, बिना ट्रैफिक नियमों का पालन किए अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएं। हम जानेंगे कि आज के इस वीडियो में कि आईटीएमएस क्या होता है और जिसके जो पूरे गोरखपुर शहर में आईटीएमएस को लगा दिया गया है। आईटीएमएस को हम आपको बताते चलें कि आईटीएमएस का पूरा नाम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसी सिस्टम का प्रयोग पूरे जनपद में कर दिया गया है। जो भी शहर में आप जाएंगे तो आईटीएमएस पाएंगे। आईटीएमएस लगने का काम ये होता है कि अब आपका चालान कोई व्यक्ति कंट्रोल रूम में बैठ के आपके नाम से नहीं काटेगा, ना ही आपको सूचना देगा। आईटीएमएस लग जाने के कारण अब आपका चालान, आपके गाड़ी का चालान ऑनलाइन होगा, जो कि वहाँ के लगे कैमरे करेंगे। आज बात करेंगे आईटीएमएस लगने से गोरखपुर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आखिर ये आईटीएमएस होता क्या है, जिस सिस्टम को गोरखपुर के पूरे शहर में लगा दिया गया है, जो अब वाहन गोरखपुर में इंटर करेंगे, गोरखपुर के किसी भी शहर में किसी भी नुक्कड़ पे जाते हैं तो अब आपके गाड़ी ध्यान रहे कि आईटीएमएस के निगरानी में है। और आईटीएमएस जरा सा भी, थोड़ा भी अगर आप ट्रैफिक के नियमों को पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तुरंत आपका ऑनलाइन चालान आईटीएमएस के जरिए हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिएगा। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आईटीएमएस का काम क्या होता है। आईटीएमएस यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए शहर के पूरे सभी ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। आईटीएमएस के जरिए यह एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी, समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए शहर के सभी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखा जाएगा और उसको मैनेजमेंट किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि आईटीएमएस के जरिए ही कैमरे भी लगे हुए हैं, जिस कैमरे से आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है। और वो कैमरा क्या होता है, उस कैमरे का नाम होता है ANPR। कैमरा क्या होता है, ANPR का मेन काम होता है आपके नंबर प्लेट को देख के, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट को देख के उस पे ऑनलाइन चालान करना। ANPR कैमरा इस समय पूरे जनपद में लग चुके हैं और ANPR कैमरे से अपने गाड़ी वाहन को बचाते जाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते जाएं। अब हम आपको बता देते हैं कि ANPR कैमरा काम कैसे करता है। ANPR कैमरा गाड़ी पे लिखे OCR को रीड करने का काम करता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है और OCR को पढ़ के ये जो ANPR कैमरा है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसी पे चालान कर देता है। ANPR कैमरे का पूरा नाम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन होता है और ANPR जो है आपके नंबर प्लेट पे लिखे OCR को पढ़ के आपका ऑनलाइन चालान कर देता है। तो हम आपको बता दें कि यह ANPR कैमरा और ITMS सिस्टम कब आप पे काम करेगा, जब आप बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाएंगे,
बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाते हुए दिखेंगे, रेड लाइट जली हुई है रेड लाइट का उल्लंघन करेंगे, या अन्य किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उल्लंघन करते ही OCR आपके गाड़ी नंबर का पढ़ लिया जाएगा, ANPR कैमरा उसको पड़ेगा और ITMS सिस्टम के द्वारा आपका चलान ऑनलाइन हो जाएगा। और यह सूचना आपको आपके ईमेल आईडी, व्हाट्सएप या फिर पोस्ट के जरिए आपको मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इन सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें, हेलमेट का प्रयोग करें, फोर व्हीलर में बैठे हैं, फोर व्हीलर का को चला रहे हैं, फोर व्हीलर वाहन लेके जा रहे हैं शहर में, तो हम अपना सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, रेड लाइट होने पे अपनी गाड़ी को रोके रहें, अन्य सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते चलें, अन्यथा हमारे गाड़ी का चालान ANPR कैमरे के द्वारा OCR को पढ़ के कर दिया जाएगा। तो अभी हम आपको बताएं कि ITMS सिस्टम क्या होता है। ITMS सिस्टम को होने से मेन काम ये होता है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति कंट्रोल रूम से बैठ के या कोई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से बैठ के आपका चालान नहीं काटेगी, आपका चालान एक कैमरा काटेगा जिसका नाम ANPR है, जो आपके नंबर प्लेट को रीड करेगा और रीड करने के बाद आपका ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा। और ऑनलाइन चालान होने के बाद आपको सूचना, आपको इन्फॉर्मेशन इसकी आपके ईमेल आईडी, आपके व्हाट्सएप या फिर आपको पोस्ट से दी जाएगी। तो ITMS की यह प्रक्रिया हमें बताती है कि हमें सावधान रहना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करते चलना है। तो जनपद गोरखपुर में यह ITMS सिस्टम लग चुका है। जनपद के निवासी या फिर जनपद में जो भी वाहन लेकर के जाने आने जाने वाले लोग हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें दो पहिया पे और चार पहिया पे सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ट्रैफिक के अन्य सभी नियमों का पालन करते हुए चलें, अन्यथा बड़ी रकम की भुक्तभोगी आप हो सकते हैं। क्योंकि यह है ऐसा नियम भी नहीं रह चुका है कि आपका चालान केवल एक बार किया जाएगा, आपका चालान एक ही दिन में करीब 4 से 5 बार भी हो सकती है। कि ITMS का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं मुहैया कराना और ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों के लिए ऑडियो सिस्टम के माध्यम से एजुकेट करना, ताकि अननेसेसरी लोग परेशान ना हों। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चालान यहाँ पे कैमरे डिटेक्ट कर रहे थे हो, तो वो भी सेमी ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा था अभी तक चालान। अभी कुछ समय बाद ये चालान पूर्णतया ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब हमको किसी को टोकने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने रेड लाइट का वायोलेशन किया या किसने लेफ्ट रूट के लिए ब्लॉक किया, उन सबको स्वयं ही उनकी पिक्चर आके अपने आप उसका चालान हो जाएगा और सिंगल क्लिक पे वो सब उसमें NIC के फोल्डर में चले जाएं। तो अब जब शहर में आप वो वाली गाड़ी देखते थे जो नागिन धुन पे ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता था, अब वो गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी। अगर दिखेंगे भी तो बस एक बार के लिए दिखेंगी, फिर पुनः दोबारा वो गाड़ियाँ नागिन जैसे नहीं चलेंगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि शहर में जो नवयुवक थे, जो नौजवान थे, वो अपनी गाड़ी को नागिन के रफ्तार से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चलते थे। लेकिन अब उन नौजवानों को भी पता चल चुका है कि अब हमारे जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के शहर में ITMS सिस्टम लग चुका है, और अब अगर हम गाड़ी उस तरह से चलाएंगे तो एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, जो चालान के माध्यम से ANPR कैमरे के माध्यम से OCR हमारे गाड़ी नंबर प्लेट पे लिखे OCR को पढ़ के कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलें। ऐसे ही जानकारी और नज़दीकी खबरों को देखने के लिए फास्टर प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।